आज हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री ओलंपियाड के बारे में। इट इज़ वन ऑफ द मेजर ओलंपियाड्स जो कंडक्ट होते हैं इंडिया में, और आप सभी को पता है कि ये एक ऑफिशियल ओलंपियाड है विच इज़ रिकॉग्नाइज बाय गवर्नमेंट्स ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। इसमें इंडिया की पूरी टीम बनती है, फिर वो इंडिया को रिप्रेजेंट करती है एंड वहाँ पर आप कम्पीट करते हो। कई सारे प्राइवेट ओलंपियाड्स भी होते हैं, वो डिफरेंट है, ये लाइक एक ऑफिशियल ओलंपियाड है। ओके, तो फिजिक्स का, मैथ्स का, एस्ट्रोनॉमी का, इनका भी होता है, बायोलॉजी का फॉर योर सीनियर लेवल, एंड जूनियर लेवल पर जूनियर साइंस होता है। आई एम श्योर यू न्यू अबाउट इट, इफ नॉट आई हैव टोल्ड यू, राइट। तो केमिस्ट्री ओलंपियाड से रिलेटेड आज हम पर्टिकुलरली बात हम करेंगे और समझेंगे कि इस एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे क्या करनी है। कुछ एग्जाम के बेनिफिट्स और बेसिक्स भी मैं बताऊंगा। शुरू करने से पहले, फॉर द बेस्ट क्वालिटी जेई नोट्स जो आपको फ्री में मिलेंगे, डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट लिंक पर जाना, फ्री नोट्स आपको वहाँ पर मिल जाएंगे जेई के लिए, जो आपको केमिस्ट्री ओलंपियाड में भी पूरी तरह से हेल्प करेंगे। नीचे ही मेरे जेई के कोर्सेज भी लिंक्ड हैं, वो भी आप देख सकते हैं, एंड यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच जेई एंड ओलंपियाड एंड स्टडी रिलेटेड कंटेंट। नीचे मेरे सोशल हैंडल्स भी आपको मिल जाएंगे जहाँ पर भी ऐसी चीज़ें आती हैं। तो केमिस्ट्री ओलंपियाड की सिग्निफिकेंस क्या है? सबसे पहले इस एग्जाम की बेस्ट बात यह है कि ये जेई से काफ़ी ओरिएंटेशन में है। बाकी कई सारे ओलंपियाड्स होते हैं जैसे मैथ्स ओलंपियाड है, वो जेई से थोड़ा सा डिफरेंट जाता है। हाँ, दिमाग उसमें भी चाहिए, बट द सिलेबस ऑफ दैट एग्जाम इज अ लिटल बिट डिफरेंट। उसमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपके जेई के अंदर कैलकुलस और इन सब पे काफ़ी वेटेज होता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वो सब पर्टिकुलरली पूछा नहीं जाता इतना मैथ्स ओलंपियाड में, राइट। वहाँ पे मेनली लॉजिकल और उस तरह की नंबर थ्योरी, इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं जो जेई के लिए शायद उतने रिलेवेंट नहीं है। एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड भी कुछ हद तक रिलेवेंट है, लेकिन जो लेटर स्टेजेस होते हैं उसमें थोड़ा सा डिफरेंट जाता है जेई से। केमिस्ट्री और फिजिक्स ही ऐसे दो ओलंपियाड्स हैं जो एक्चुअल में अपने जेई से रिलेटेड है, और उसमें भी फिजिक्स सबसे ज़्यादा रिलेटेड मैं कहूँगा, कि फिजिक्स में बहुत ही कम ऐसी चीज़ें होती है जो आपके बियॉन्ड द सिलेबस आती है, स्पेशली फर्स्ट दो स्टेजेस में। थर्ड में फिर भी उसमें रिलेटिविटी, क्वांटम वगैरह आता है, लेकिन आपको पढ़ा दिया जाता है, राइट। लेकिन केमिस्ट्री के अंदर आई वुड से 80-90% मैच है बिटवीन जेई एंड योर इंटरनेशनल ओलंपियाड, सो यू कैन स्टिल स्टडी केमिस्ट्री टू सम एक्सटेंट। तो एग्जाम की सिग्निफिकेंस ये है कि यदि आपके पास इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड में मेडल होता है, तो आपको अगर फॉरेन में कहीं एडमिशन लेना है किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप बेसिस पे, तो आपको हेल्प मिलती है थोड़ी, और अदरवाइज भी इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट, राइट। सो एंड ऑफ कोर्स ये आपको अपनी जेई के लिए प्रिपेयर कर ही रहा है एक तरह से, सो एक तरह से सारे काम इसमें निपट रहे हैं, राइट। सो इट्स अ गुड एग्जाम टू गिव। सो पढ़ना कैसे इसके लिए? तो फर्स्ट थिंग आई वुड से कि इफ़ यू स्टडी योर जेई केमिस्ट्री रियली वेल, मतलब आपने अपनी जेई एडवांस लेवल तक की पूरी केमिस्ट्री अच्छे से अगर पढ़ ली है, दैट शुड मोस्टली बी इनफ इवन टू रीच टू द इंटरनेशनल लेवल, ठीक है। अगर आपने बहुत ही अच्छे से जेई के सारे रिएक्शंस आपको ऑर्गेनिक वगैरह में पता हैं, सारी इनऑर्गेनिक आपने पढ़ी हुई है, फिजिकल में आपने इनफ प्रैक्टिस की हुई है डिफिकल्ट क्वेश्चंस की भी, तो मोस्टली जेई एडवांस के लिए जो बहुत ही अच्छा प्रिपेयर्ड बच्चा है वो निकाल लेता है। आप देखिए जितने भी बड़े कोचिंग्स के जो टॉपर स्टूडेंट्स होते हैं जो जेई एडवांस में अच्छी रैंक लेके आते हैं, सभी लोग ऑलमोस्ट जेई केमिस्ट्री ओलंपियाड भी निकाल ही लेते हैं, क्योंकि उसकी उन बंदों की इस तरह की प्रैक्टिस होती है, राइट। सो प्रिपेयरिंग फॉर जेई इज इनफ फॉर दिस एग्जाम, बट स्टिल आई वुड रिकमेंड सम मोर थिंग्स। थोड़ा एक मैं कहूँगा कि फॉरेन ऑथर्स की बुक्स में देखो। सो इनऑर्गेनिक में जैसे JD Lee की एक बुक आती है, वो काफ़ी स्टैंडर्ड बुक है इस एग्जाम के लिए, इनफैक्ट वो रिकमेंड भी करते हैं इस बुक को, तो इस बुक को आपको डेफिनेटली पढ़ना चाहिए, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय JD Lee, एंड डोंट स्टडी द JEE वर्जन। इसका जो ओरिजिनल ब्लैक वाला वर्जन आता है ना JEE का, ओरिजिनल फॉरेन ऑथर का, आप उसी बुक को पढ़ो, ठीक है। काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलेगा, जेई में भी हेल्प होगी और ओलंपियाड में तो काफ़ी हेल्प मिलेगी इस बुक से, ठीक है। इस एक पर्टिकुलर बुक में इतना नॉलेज है जो वो हर फील्ड में काम आएगा। दूसरा, आप जैसे पीटर एटकिंस की अगर फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ सकते हो, थोड़ी डिफिकल्ट है, बट इफ़ यू कैन रीड इट, आई थिंक इट विल हेल्प यू अलॉट इन फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन, एंड उसमें इवन इंटरनेशनल लेवल तक की तैयारी आपकी दोनों बुक से हो जाएगी। एंड ऑर्गेनिक की बात करें तो यहाँ पे एकदम मैं बिल्कुल टॉप ऑफ द टॉप रिसोर्स अगर बोलूँ, तो वो एक जेरी मार्श नाम करके बुक आती है, बहुत मोटी बुक है और बहुत डिफिकल्ट बुक भी है वो, ठीक है। इनफैक्ट जेई एडवांस 2015 में क्वेश्चन आया था जिसमें एक एक्सेप्शन लग रहा था, ठीक है, और वो इस किताब से उठाया गया था। ओके, अगर आपने ये किताब नहीं पढ़ी है तो वो जेई एडवांस का क्वेश्चन आप गलत करके आ जाते, तो जेई में भी कहीं ना कहीं वो बुक रिलेवेंट है। तो इट्स अ वेरी हाई लेवल बुक, बट ठीक है, यू कैन चूज टू स्टडी, यू कैन स्किप इट ऑल्सो। और अगर आप जेरी मार्च नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो थोड़े सिंपल बुक से बता देता, एक वो आती है अपनी, ये सोलोमोन्स आती है, सोलोमोन्स की भी ओरिजिनल वाली पढ़नी चाहिए। पोला ब्रूस एक बुक आती है, वो बहुत अच्छी है इसके अंदर। तो ये दोनों बुक्स मुझे लगता है काफ़ी आपको हेल्प करेंगी। इसके अलावा एक और आपकी एक पीटर नाम करके एक और पर्सन की एक आती है, और ऑर्गेनिक मैकेनिज्म्स ऐसे नाम करके एक बुक आती है उनकी, पीटर साइक्स नाम है शायद, राइट। तो वो बुक भी आपको पढ़नी चाहिए, उससे भी आप काफ़ी सीखने को मिलेगा। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली, ये बुक्स वगैरह पढ़ने से काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आप ओलंपियाड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत सारे करो। सो फाइंड आउट ओलंपियाड टेक्स्ट बुक्स, आई थिंक HBCSE की वेबसाइट पर आपको इनकी टेक्स्ट बुक्स भी मिल जाएंगे। देखो, फर्स्ट स्टेज जो होता है ना NACC, वो तो आसान है, वो तो JEE मेन से थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, एडवांस से थोड़ा इजी होता है, तो वो आप कर लोगे। INCHO में दिक्कत आएगी, क्योंकि वहाँ पे आपको टॉप 35 में आना है, और वहाँ पे कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो JEE एडवांस से भी अबव डिफिकल्टी के होते हैं, जैसे ऑर्गेनिक वगैरह में एक आध रिएक्शन ऐसी घुसा दी जाएगी जो आप शायद नहीं जानते होगे, राइट।
तो वहाँ पे डिफिकल्टी थोड़ी सी आती है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको ये बुक्स पढ़नी चाहिए, जेरी मार्च हो गई, पीटर साइक्स हो गई, सोलोमोन्स हो गई, पॉला ब्रूस हो गई, ये बुक्स आप थोड़ी देख सकते हो। एंड जो जेई सॉरी जो ओलंपियाड के INCHU के प्रीवियस कुछ बुक्स क्वेश्चन का एक कलेक्शन आता है, आप सर्च करिएगा HBCSC की वेबसाइट, जो एग्जाम कंडक्ट कराता है उनकी वेबसाइट पर आपको बुक्स मिल जाएंगी, तो वहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे ऑर्गेनिक वगैरह के, तो उनको एक बार करोगे ना तो आपको और क्लैरिटी मिलेगी। इसके अलावा इंटरनेशनल ओलंपियाड के पेपर्स भी निकलवाना, वो आपको पिछले 30-40 साल के मिल जाएंगे नेट पर, उनको सॉल्व करना, उससे भी काफ़ी आप सीखोगे। तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से क्या, एक तो आपको पता चलेगा कि ओलंपियाड में किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है और क्या क्या हमें नहीं आता है, और वो आप पर्टिकुलरली पढ़ सकते हैं। एंड कई बार क्वेश्चंस के थ्रू आप काफ़ी चीज़ें भी सीख भी जाते हो, राइट। तो आई वुड से दिस वुड सफाइस कि आपने जेई एडवांस की बहुत ही तगड़ी प्रिपरेशन की है। अगेन यहाँ पे मैं वैसी प्रिपरेशन की बात नहीं कर रहा हूँ कि छोटी मोटी छुटपुट प्रिपरेशन कर ली, नहीं, मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि टॉप बैच के बच्चों की जैसी प्रिपरेशन होती है ना, एकदम टॉपर्स वाली प्रिपरेशन, टॉप 100 फिनिश वाली प्रिपरेशन, वैसी प्रिपरेशन अगर आपकी जेई एडवांस्ड है तो इवन दैट अलॉन्ग विथ PYQ ऑफ INCHU दिस शुड बी इनफ। लेकिन अगर आपका बिल्कुल ही अरमान है कि भाई हमें तो इंटरनेशनल लेवल पर जाना ही जाना है, तो ये बुक्स मैंने बता दी, JD Lee फॉर इनऑर्गेनिक, पीटर एटकिंस फॉर फिजिकल, एंड जेरी मार्च और पीटर साइक्स और ये पॉला ब्रूस एंड ऑल दीज बुक्स फॉर ऑर्गेनिक। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्वेश्चन बहुत सारे प्रैक्टिस करना, इसमें ऑर्गेनिक वगैरह में काफ़ी फंसाने वाले क्वेश्चन आते हैं, तो वो इनफ प्रैक्टिस नहीं होगी ना तो आपसे नहीं बनेंगे, ठीक है। सो या दैट वॉज ऑल अबाउट योर ओलंपियाड, केमिस्ट्री ओलंपियाड। नीचे मेरा जो जेई कोर्सेज है वो आप चेक कर सकते हो, आपको जेई में भी हेल्प करेंगे, एंड फॉर ओलंपियाड्स ऑल्सो दे विल ट्रेन यू अ लॉट। एंड इन एनी केस नीचे मेरे शॉर्ट नोट्स आपको डेफिनेटली देखने चाहिए, वो फ्री है और आपको उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, वो आपको रिवीजन वगैरह में काफ़ी हेल्प करेंगे फॉर योर ओलंपियाड इज वेल। सो दैट वॉज द वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड लक, सब्सक्राइब, नोटिफाई कर देना चैनल को, नीचे मेरे सोशल्स लिंक है, वहाँ पे मैं जेई का कंटेंट डालता हूँ, आप चेक कर सकते हो। गुड लक।